PCC Academy, an institute of English language, enhance your communication skills with PCC, 101% family institute in Panipat. Before IELTS, visit once at Model Town near Aneja Petrol Pump, Panipat. साथ ही मैं आपके माध्यम से जिलावासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की भी बधाई देना चाहूँगा। और एक मेरा आग्रह भी है कि इस दिवाली को हम पूर्णतः प्रदूषण रहित मनाएं, पटाखों का इस्तेमाल ना करें, केवल ग्रीन क्रैकर्स का ही इस्तेमाल करें, ऐसी मेरी आग्रह है। दिवाली के अवसर पे शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और मैं उनसे अनुरोध भी करूंगा कि प्रदूषण रहित दिवाली मनाएं और जो सरकार के जो आदेश हैं, जो नियम हैं, सुप्रीम कोर्ट रेगुलेशन है, उसकी पालना करें, ग्रीन पटाखे ही जलाएं और जो टाइम दिया गया है, जो समय सीमा दी गई है, उसके अंदर ही जलाएं और खुशियाँ आपस में बांटें और सुरक्षित रह के और सचेत रह के ही दिवाली का पर्व मनाएं। सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व खुशी का है, उल्लास का है, लक्ष्मी के घर आने का है, प्रभु राम का घर आने का है। इसलिए दीपक जलाएं, दिया जलाएं, घी के दिए जलाएं और इस दीपावली को आनंद और उत्सव के साथ मनाएं। बम पटाखे, पता ही है कि उससे पोल्यूशन ही पोल्यूशन की बात तो नहीं करूँगा, अगर कई बार उसके कारण जो जन हानि हो जाती है, जो शरीर के अंगों को नुकसान होता है, उसको भी ध्यान में रख के अपने को अपनी दीपावली का आनंद बनाना है। आप सभी को पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको बधाई। नमस्कार साथियों, आज से मैं अपने पूरे शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को और साथ ही अपने मीडिया के सभी साथियों को, अपने अपने पूरी परिवार की तरफ से, बुले शाह जी की तरफ से दिवाली की, धनतेरस की, छठ पूजा की और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं भगवान हम सब के घर में दिए जला कर रखे, किसी का कोई नुकसान जानमाल का ना हो और बहुत ही सुख शांति के साथ हम मिलकर दिवाली मनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुखबीर सिंह मलिक, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पानीपत। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दिवाली की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की और छठ पूजा की और विश्वकर्मा डे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इनकी सबका जो त्यौहार है बहुत बढ़िया गुजरे। और एक सभी हरियाणा वासियों से भी मैं अपील करता हूँ, अब इस बार जो इलेक्शन है पंचायत का, उसमें एक सही आदमी को चुने, एक ईमानदार आदमी को चुने, जात पात छोड़ के, कुणबाबाजी छोड़ के, गांव में जो बड़ी आदमी हो, जो काम के लिए काम कर सकता है, उसको वोट दें। जब भी जो ये इलेक्शन है गांव का, इसी से सारा कुछ चलता है। अगर बड़ी आदमी यहाँ चुनेंगे तो बढ़िया काम होगा गाँवों में और देश की भी तरक्की होगी। और मेरी सभी से प्रार्थना है, जो भाई दारू बांटता है उसको बिल्कुल वोट ना दे, दारू वाला और जो खर्चा करता है ऐसे आदमी से बचें, क्योंकि वो जो खर्चा करेगा वो आप लोगों के बीच से ही निकाल लेगा, आप लोगों का जो ग्रांट आएगा उसमें से खाने की कोशिश करेगा। मेरी तो सभी से यही प्रार्थना है कि आप बढ़िया कैंडिडेट, ईमानदार कैंडिडेट और जात पात छोड़ कर सही तरीके से काम करें। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और जय हिंद करता हूँ। जय हिंद साथी। मैं राकेश गर्ग लाइनअप की तरफ से सारे पानीपत वालों को दीपावली की शुभकामनाएं, विश्वकर्मा डे की और गोवर्धन की सबको शुभकामनाएं देता हूं। सभी दिवाली खुशी खुशी मनाएं, प्रदूषण रहित मनाएं, यही मेरा कहना है। दीपावली का त्यौहार दीपों का त्यौहार है।
समस्त भारतवर्ष में दीपावली का त्यौहार 5 दिन तक मनाया जाता है और यह त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी का निर्वाण दिवस है, जिसे प्रेरणा दिवस के नाम से भी मनाया जाता है, ताकि हमारे समस्त युवाओं को प्रेरणा मिले और वो समाज की प्रगति के लिए कार्य कर सकें। दीपावली की आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल की प्रबंधक समिति की तरफ से, हमारे स्टाफ मेंबर्स तथा स्टूडेंट्स की तरफ से सभी पानीपत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मीनाक्षी अरोड़ा, प्रिंसिपल, आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल।